जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और यहां उपस्थित समाज के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों, साथियों, अगस्त का ये महीना अपने आप में पवित्रता और संकल्प का वातावरण लेकर आता है। ये क्रांति का, देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित करने वाले सेनानियों को याद करने का महीना होता है। स्वतंत्रता दिवस के साथ ही इस महीने में अनेक त्यौहार आते हैं जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आने वाले सभी पर्वों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में, हमारे उत्सवों में, हमारे त्योहारों में प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत ही ऊंचा स्थान है। आज का ये आयोजन भी प्रकृति, पर्यावरण और आधुनिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, 125 करोड़ देशवासियों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है। गांव की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, गांव के किसान की आय बढ़ाना, पेट्रोल, डीजल, गैस का विकल्प तैयार करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। बायोफ्यूल इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है। साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। और अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें एक पुरानी कहावत को भी याद किया गया, आम के आम और गुठली के दाम, बहुत पुरानी कहावत है, उसका एक प्रकार से आधुनिक रूप है। बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, देश का धन भी बचाएगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। देश के लिए ये हमारे उस व्यापक विजन का हिस्सा है जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और गांव गरीब किसान की समृद्धि का रास्ता और मजबूत होने वाला है। इसके अलावा ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट के आधुनिक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। शहरों में क्लीन एनर्जी के तमाम प्रयासों के बीच बायोफ्यूल एयर पॉल्यूशन को कम करने में बहुत मददगार है। साथियों, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन आज आए हुए हैं और किसान का विज्ञान भवन में आना अपने आप में एक मैसेज है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की स्थिति अलग अलग है, कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिश का इंतजार है। हम लगातार उस खबरों को देख रहे हैं,
कहीं संतोषजनक बारिश का एक आनंद भी होता है तो कहीं बारिश के अतिरेक के कारण परेशानियों से चिंता भी होती है। खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों, अब तो धान समेत खरीफ की तमाम फसलों की बुआई मैं समझता हूं करीब करीब देश के हर कोने में पूरी हो चुकी है। और आपकी जानकारी में है कि सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है। और जब कृषि की बात आती है तो स्वामीनाथन जी का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे यहां लिया जाता है। और मुझे खुशी है कि अभी 2-3 दिन पहले श्रीमान स्वामीनाथन जी ने एक आर्टिकल के द्वारा कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, सरकार कैसे इनिशिएटिव ले रही है, सरकार की नीतियां किस प्रकार से किसानों की जिंदगी में स्थायी रूप से बदलाव लानी है, बड़ा विस्तार से, और वो एक अथॉरिटी है, बहुत विस्तार से उन्होंने भारत सरकार की किसानों से संबंधित जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, प्रयास हैं, उसकी भरपूर सराहना की है। और आपने भी देखा, फिल्म में भी देखा, खरीफ के मौसम में जो और फसलें होती उसके साथ साथ गन्ने के लिए भी हमने एमएसपी तय किया है कि किसानों को लागत के ऊपर लगभग 80% लाभ मिल सके। इस सीजन के गन्ने का लाभकारी मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इस बढ़ी हुई कीमत से देश के करोड़ों किसानों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उनका भी लाभ किसानों को मिलना सुनिश्चित है। साथियों, गन्ने से इथेनॉल बनाने की योजना पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय काम का प्रारंभ हुआ था, लेकिन बीते एक दशक में अब जैसा उस सरकार का हाल था, हर योजनाओं का भी वैसा ही हाल होता था, इस प्रयास को भी अति गंभीरता से नहीं लिया गया। जब 2014 में फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी तो बकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। आज देश के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। बीते 4 वर्षों में इथेनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है और आने वाले 4 वर्षों में लगभग 450 करोड़ इथेनॉल का उत्पादन करने की दिशा में आज देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, इथेनॉल ने ना सिर्फ किसानों को लाभ पहुंचाया है बल्कि देश का पैसा भी बचाया है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने से पिछले वर्ष देश को लगभग 4000 करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 वर्ष में ये बचत करीब करीब 12000 करोड़ रुपए तक पहुंचे। इतना ही नहीं, अगले 4 वर्ष में
गन्ने से इथेनॉल बनाने भर से ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटने का अनुमान है। इस बजट से और गन्ने के लिए मिले विकल्प से गन्ना किसानों को जो बार बार मुसीबतों को झेलना पड़ता है उसका एक स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा। इथेनॉल से पैसे की बचत तो हो रही है, इसके अलावा पेट्रोल से जो हानिकारक गैस निकलती है उनमें भी कमी आने वाली है। साथियों, बायोफ्यूल से जुड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, ये यानी कोई एक विशफुल थिंकिंग हो, बड़ी बड़ी बातें होती हो, ऐसा नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, ठोस रणनीति बनाई जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है, टारगेट को पाने का समयबद्ध आयोजन हो रहा है। इथेनॉल समेत बायोफ्यूल के तमाम माध्यमों को विकसित करने के लिए सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाई है। सरकार का ये प्रयास है कि 2022 तक 10% और 2030 तक यानी दो गुना 20% इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिक्स करने की क्षमता विकसित की जा सके। बायोफ्यूल से सिर्फ गन्ना किसानों को तो एक विकल्प मिलेगा ही, इससे देश के हर किसान को फायदा होने वाला है। हमारे गेहूं, चावल, मक्का, आलू, सब्जियां, हम सब जानते हैं अक्सर कभी मौसम की वजह से या भंडारण के अभाव के कारण खराब हो जाती है, सड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। और स्वाभाविक है किसान इसको संभाल के क्या करेगा, वो फेंक देता है। लेकिन अब हमने तय किया है कि इसका इस्तेमाल भी इथेनॉल बनाने के लिए किया जाए। एक और समस्या किसानों के सामने है कि प्राकृतिक कारणों से फसल में कुछ कमी रह जाती है, जैसे दाग लगना, साइज छोटा होना, ऐसे अनेक कारण होते हैं और जिसकी वजह से उनकी फसल बिक नहीं सकती है। जो ग्राहक है वो उसको पसंद नहीं करता है, नकार देता है, जो दुकानदार है भी वो भी नहीं लेता है। और इसके कारण मौसम की आधी अधूरी मार भी किसान को बहुत नुकसान उठाने के लिए मजबूर करती है। इथेनॉल बनाने के लिए ऐसा सारा भी अनाज होता है, छोटा हो, टूटा फूटा हो, दाना कम हो, रंग ठीक ना हो, ये सारी चीजें इथेनॉल बनाने के लिए काम आती है। और अगर इसमें हम योजनाबद्ध रीति से जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे तो आप विश्वास कर सकते हैं ऐसे में किसानों की फसल का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों की जिंदगी में कितनी बड़ी ताकत आएगी। साथियों, नेशनल पॉलिसी में सिर्फ फसल से नहीं बल्कि अब घर से निकलने वाले कूड़े, खेत से निकलने वाले कचरे और पशुओं के गोबर को ईंधन में बदलने के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में केले के छिलके
जो न सिर्फ किसान बल्कि हर घर में कचरे के रूप में आसानी से मिल जाते हैं, वो भी ईंधन के रूप में काम आने वाला है। इसके अलावा घास और बांस से भी इथेनॉल बनाया जा रहा है। बांस विशेष तौर पर उत्तर पूर्व और दूसरे आदिवासी इलाकों में अच्छी मात्रा में पैदा होता है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण कदम होगा जो बांस की खेती करने वालों को फायदा करेगा। साथियों, पराली भी किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है और पता नहीं नासमझी के कारण समय के अभाव से कुछ भी कहो, ये पराली अपने आप में एक बहुत बड़ा मूल्यवान प्राकृतिक सौगात है, लेकिन अज्ञानवश या आदतों के कारण हम ऐसी मूल्यवान जड़ी बूटी को जला देते हैं। ये जमीन को नई जिंदगी देने वाली मूल्यवान जड़ी बूटी हम अपनी आंखों से सामने अपने हाथों से जला देते हैं। और मैं तो देख रहा हूं पंजाब हो हरियाणा हो यहां के किसानन कसा, ये एक नित्य कार्यक्रम होता है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरे किसान भाइयों को मैं बार बार समझाता हूं कि इस पराली को जलाने के कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति पर तो असर पड़ता ही है, साथ में इससे निकले धुएं के कारण पूरे पर्यावरण का को दुष्प्रभाव पैदा होता है। और इसलिए अब पराली से इथेनॉल बनाने की संभावनाओं पर बहुत व्यापक रूप से काम किया जा रहा है, यानी अब पराली भी आपको इनकम का एक स्रोत बन सकती है और इससे प्रदूषण की भी राहत मिलेगी और किसानों की अतिरिक्त आय भी होगी। साथियों, बायोमास को बायोफ्यूल में बदलने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। देश भर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 आधुनिक रिफाइनरी बनाने की योजना है। एक रिफाइनरी से लगभग 1,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, यानी रिफाइनरी के संचालन से लेकर सप्लाई चेन तक लगभग 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा गोबर से ईंधन बनाने की योजना भी प्रगति पर है। पिछले बजट में आपने देखा होगा हमने एक योजना घोषित की, गोबर धन। इस गोबर धन योजना के तहत पूरे देश के हर जिले में एक बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। अभी 700 प्लांट बन रहे हैं, लेकिन आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा। देश भर के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सबको इसमें जोड़ा जाएगा। साथियों, आज गोबरधन, वनधन, जनधन, इन योजनाओं से गरीबों, किसानों, आदिवासियों के जीवन में एक नई आर्थिक संभावनाएं, आर्थिक सामर्थ्य का एक नया बदलाव सुनिश्चित हो रहा है। न सिर्फ आपकी फसल बल्कि पशु के गोबर का, खेत के अवशेष का, घर से निकले कूड़े कचरे का, हर चीज का उचित उपयोग हो, इस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा जो जंगल में उगे पौधे और फल होते हैं उनसे होने वाली आमदनी अलग, जब पतझड़ के मौसम में आप अगर जंगलों में जाने की आदत होगी तो आपने देखा होगा एक एक दो दो फीट पत्ते गिर करके पड़े होते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कमाई का साधन बन सकता है।
ये वेस्ट टू वेल्थ का अभियान तो है ही, साथ में इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी गति मिल रही है, क्योंकि यही वेस्ट गंदगी का भी बड़ा कारण है। साथियों, इस अभियान में हमारे वैज्ञानिक बंधुओं और स्टार्टअप्स के जरिए तकनीक को सुलभ कराने वाले युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप बायोफ्यूल से जुड़ी तकनीक को बेहतर बनाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की संभावना है। जैसे अनाज के अतिरिक्त ऐसे उत्पादों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है जिससे अधिक गुणवत्ता वाला और अधिक मात्रा में बायोफ्यूल पैदा किया जा सके। इसके लिए स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। मैं समझता हूं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईटीआई पॉलिटेक्निक के सिलेबस में बायोफ्यूल से जुड़े कोर्स को और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा देश भर के केवीके कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बायोफ्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। देश भर में लगने वाले कृषि मेलों में भी बायोफ्यूल को मुख्य थीम बनाकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। साथियों, शहरों की साफ सफाई से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवर के पानी, उद्योग से निकला पानी, ऐसी तमाम चीजों से ऊर्जा पैदा करने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर रुके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा ज्यादा रहता है। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ एयर वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा, तो ले जा रहा था। मगर यार रोक के उसको, हमने गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो बोले ये क्यों ले जा रहे हो, तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास दो पशु हैं उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है, तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं
और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान यानी इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान गांव के लोग कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। जो स्टार्टअप की दुनिया के लोग हैं वे अगर उस पर ध्यान दे तो शायद जो कभी बड़ी बड़ी कॉलेजेस से नहीं मिलता है वो खेत में किसान की सोच में से मिल सकता है। और इन सबको समेट करके हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज B3 की एक योजना, एक व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। B3 यानी बायोमास, बायोफ्यूल से और बायो एनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है। इथेनॉल के अतिरिक्त आज कचरे से CNG यानी बायो CNG बनाने का भी तेज गति से काम चल रहा है। देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में CNG के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पेट्रोल डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। फिलहाल हम CNG विदेश से आयात करते हैं, अब बायो CNG से विदेशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक देश भर में 225 से अधिक प्लांट लगाए जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब शहरों के साथ साथ गांवों में भी CNG से गाड़ियां चलने लगेगी। साथियों, हमारे आसपास आज प्लास्टिक का सामान, रबर के टायर, ऐसी तमाम चीजें जो उपयोग के बाद एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, इनका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा रहा है कहीं, और वही जो दूसरा कचरा घर से निकलता है उसका भी सड़कों के निर्माण में कैसे उपयोग हो, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। मैंने अभी एक अफ्रीकन कंट्री की गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मीडिया में देखा। वो गांव में से सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर करके नदी के तट पे ले जाते हैं और लकड़ी वकड़ी ला करके उस प्लास्टिक को जला करके पिघल देते हैं और वहीं नदी से बालू लेकर के मिक्स करते हैं और उसमें से ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक बड़ी मात्रा में बेचते हैं। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर रही है काम, कचरे की सफाई भी कर रही हैं और उसका नई प्रोडक्ट करके बाजार में बेच रही है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर सरकार काम कर रही है। पर्यावरण के साथ संतुलन की जब हम बात करते हैं तब बिजली का एक महत्वपूर्ण रोल है। बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे इस्तेमाल होती है इसका पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब बिजली पैदा करने की बात आती है तो आज कोयले और गैस जैसे पारंपरिक तरीकों के साथ सोलार एनर्जी समेत तमाम दूसरे माध्यमों से बिजली बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस के जरिए तो हम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज खेती में सोलर पंप से लेकर उद्योग धंधा, दफ्तरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर काफी प्रगति हो रही है। इसके अलावा देश की गलियों, घरों और दफ्तरों में LED बल्ब की रोशनी सुनिश्चित करने से बिजली की बचत हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब देश के रेलवे स्टेशन LED बल्ब से जगमगाने लगे हैं। सारा काम उन्होंने पूरा कर दिया। अब लक्ष्य यह है कि आने वाले दिनों में रेलवे की हर बिल्डिंग और रेलवे प्ले क्वार्टर्स में भी 100% LED बल्ब लगाए जाए। रेलवे ही नहीं, हमारे पोर्ट्स भी ग्रीन होते जा रहे हैं, LED लाइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यावरण की चिंता स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के मिशन से जुड़ी हुई है। धुआं मुक्त रसोई भी इसी व्यापक विजन का हिस्सा है। आज मैं इस मंच से देश के
उन 5 करोड़ गरीब परिवारों को बधाई देता हूं, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनको धुएं से मुक्ति मिली है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम इतने समय में हो सकता है, ये अपने आप में एक अजूबा है। हमारे देश में 125 करोड़ जनसंख्या है और करीब करीब 25-26 करोड़ परिवार है। इन 25-26 करोड़ परिवार में 5 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा इतने कम समय में पहुंचाना, ये अपने आप में आप हिसाब लगा सकते हैं कि तेज गति से काम होता है तो कितना परिणाम आता है। साथियों, आज दिन भर किसान भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, गवर्नमेंट के अफसर भी होंगे, आप सब मिलकर के बायोफ्यूल को लेकर चर्चा करने वाले हैं, उससे जुड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श करने वाले हैं, किसान की जो रोजमर्रा की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसकी चर्चा करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि इससे 125 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा जरूरतों और खेती को लाभकारी बनाने के लिए अनेक नए सुझाव आएंगे, अनेक नए रास्ते बनेंगे। बायोफ्यूल से बदलाव की क्रांति घर घर सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि इसमें हमने हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे उद्यमियों को यानी एक प्रकार से जन भागीदारी से जन आंदोलन का रूप हमको देना पड़ेगा। मेरा यहां मौजूद जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं उनसे भी आग्रह है कि देश के गांव गांव तक बायोफ्यूल के लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर भी अतिरिक्त प्रयास करें। और मुझे विश्वास है कि बायोफ्यूल की दिशा में भारत ने जो इनिशिएटिव लिए हैं और विश्व आज बायोफ्यूल डे मना रहा है, तब भारत ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित विश्व को एक विश्वास देने का सामर्थ्य रखता है। भारत के इन कदमों की आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है। भारत के नीतियों और योजनाओं को विश्व बड़े गौर से देख रहा है और उसमें आज का ये प्रयास नई ऊर्जा भरेगा, दिशा को और अधिक स्पष्ट करेगा और गति तेज करेगा। इसी विश्वास के साथ इस सफल योजना के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।